सभी को गुड आफ्टरनून। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी है, ये हमारे एरिया शालीमंडा में एक मर्डर केस और अटेम्प्टेड मर्डर केस के बारे में सभी को ब्रीफ करने के लिए रखी है। जून 18 की रात को एक मनी डिस्प्यूट, पैसे के ऊपर होने वाले झगड़ा किस तरह से इस मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। और मक्का कॉलोनी शालीमंडा में पहले जो एक छोटा सा पैसे के लिए झगड़ा हुआ था मदर और सुरेश के बीच में, उसमें कई लोग बाद में आके इन्वॉल्व हो गए थे और बाजिद जो इसमें इंजर्ड है और रफीक शिमला जो इसमें इंजोर है, उसके अलावा इंजोर होने के बाद फेटल इंजरीज की वजह से जिसका डेथ हो गया, और साजिद और खाबिब जिनको माइनर इंजरीज हुई, इन चार लोग पर अटैक किया गया जिस अटैक में कुल मिला के 18 लोग इन्वॉल्व पाए गए हैं और उनमें से 12 लोग हमारी कस्टडी में हैं, अरेस्टेड हैं, जिसमें मेन A1 मोहम्मद असद जिसने कि मेन अटैक किया, रफीक शिमला को स्टैप किया, वाजिद को अटैक किया और जिसकी वजह से इसमें शिमला की डेथ हो गई और वाजिद भी गंभीर तरीके से जख्मी हो। A2 उसका साथी है हुसैनी पाशा जिसका दूसरा नाम आशू है, A3 मोहम्मद सुभान खान, A4 मोहम्मद अनवर, A5 मेहसान बिन समद मिस्री, A6 इमरान, A7 गाउस, A8 मोहम्मद अदनान, A9 मजर, A10 सुहैद, A11 मोहम्मद इस्माइल, A12 सैफ अली खान, अब्दुल्ला खान, शेख दस्तगीर, सैयद याकूब अली, उस्मान बिन खालिद यमनी, अमान अली हाशमी और दस्तगीर, जिसमें से टोटल मिला के 18 लोगों में से हमने 12 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, जिसमें मेन A1, A2, A3, A4 है और सब लोग हमारी कस्टडी में है। इस पूरी अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है वो है DCP टास्क फोर्स रश्मि बेरोवाल IPS, एडिशनल DCP साउथ जोन शेख जहांगीर, एडिशनल DCP टास्क फोर्स A श्रीनिवास राव, ACP छत्रीनाका चंद्रशेखर, एंड उसके अलावा जो टीम है इसमें इंस्पेक्टर ऑफ शालीमंडा पुलिस स्टेशन एस रवि कुमार, विद टास्क फोर्स टीम्स एंड सपोर्ट ऑफ ऑफिसर्स लाइक एस शेषु जानैया, कांस्टेबल मुरली, श्रीकांत राव, साई बाबा, वी पुरुषोत्तम। जनरली ये जो वारदात हुई है उससे हमें ये मालूम पड़ा है कि ये जो बॉडीली ऑफेंसेस और जो रिसेंट इंसिडेंसेस हुए जिसमें एक तरीके से गैंग की तरह लोग एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो ये पूरा माहौल चला है हमारे एरिया में जिसमें लेट नाइट शॉप्स ओपन रहते हैं, लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह के माहौल रहने से इंकरेज होती है। तो पिछले 4-5 दिन से हमने होल सिटी में नहीं, इनफैक्ट पूरे हैदराबाद में इस तरीके की इलीगल रनिंग ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बियॉन्ड परमिटेड आवर्स को प्रिवेंट करने के लिए कई सख्ती से कदम उठाए हैं, पर इसके बावजूद भी नोटिस किया जा रहा है कि कुछ शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट जो हैं वो बैकडोर से या फिर एक बार बंद कराए जाने के बाद दोबारा खोल के और गलत तरीके से बियॉन्ड परमिटेड आज इसको रन कर रहे हैं। कई लोगों को डिसआर्मिंग ऑपरेशन एक हम कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें CP सर के ऑर्डर्स के अनुसार पूरे हैदराबाद में हम लोग चेकिंग कर रहे हैं कि कुछ लोग आर्म्स लेके घूम रहे हैं या कुछ लोग छोटे छोटे पेपर कटिंग नाइफ लेके घूम रहे हैं और ऐसे लोगों को पकड़ा गया है, उन पर केसेस भी बुक किए गए हैं और उनको रिमांड भी किया गया है। इसी तरह शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट के ओनर्स जो हैं जो बियॉन्ड परमिटेड आवर्स खोल रहे हैं उनको भी पकड़ के उनके ऊपर केसेस किए गए। तो हमसे हमारी सबसे यही गुजारिश है कि जो भी लीगली अलाउड है, जो भी लॉफुली अलाउड है, जिस तरह से हम एक अमन चैन और शांति का माहौल बना सकते हैं और इस तरीके के क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए और इस तरीके के क्राइम को होने से रोकने के लिए जिस तरह का माहौल एक शहर में होना चाहिए, आइए उसको बनाए रखें। और जो भी इस तरीके के गलत काम कर रहे हैं उनको ये वार्निंग है कि किसी भी तरीके का इसमें टॉलरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है, जीरो टॉलरेंस हमारी पॉलिसी है इस तरीके के इलीगल रनिंग ऑफ शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एंड कैरिंग ऑफ आर्म्स बाय पर्संस इवन इंक्लूडिंग सम माइनर्स। और हमारी ये गुजारिश पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर से भी है कि अपने जो वार्ड्स हैं उनके जो बच्चे हैं उनको काउंसिल करें, कहीं छोटे छोटे बच्चे 15-16 साल के छोटे छोटे गांजा पैकेट्स लेके घूम रहे हैं, खा रहे हैं और उस गांजा या टैबलेट्स कुछ है नाइट्रोवेट टैबलेट्स उसके नशे में, उनको ये होश ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, छोटे छोटे नाइफ्स कैरी कर रहे हैं, तो वाइटनर कंज्यूम कर रहे हैं, उसका वाइटनर यूज करके नशे में रहते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो फैमिली का है, उनके पेरेंट्स का है,
जिनको हम कुछ दिनों से काउंसिल भी कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में काउंसिलिंग के साथ साथ सख्ती से इस पर कार्रवाई भी करेंगे। तो ये प्रेस मीट में हम ये भी गुजारिश करते हैं कि जो भी पब्लिक है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स है, पेरेंट्स है, हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दें, और इस सारी जो हमने गाइडलाइंस दी है उस पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारी है हैदराबाद सिटी पुलिस। इसी के साथ साथ एक दूसरा क्राइम भी उसी रोज कालापत्थर पुलिस स्टेशन में हुआ था, अटेम्प्ट टू मर्डर 307 केस। 19 जून को अर्ली मॉर्निंग 1:55 पे मोहम्मद पाशा, जो इस क्राइम में कंप्लेनेंट भी है, उसने रिपोर्ट किया कि उसको कुछ लोगों ने आके अटैक किया और उसका कंधा तोड़ दिया, उसका शोल्डर में डिसलोकेशन हुआ, जिसमें उसने नाम लिया A1 अशफाक या छोटा अशफाक, A2 जाफर, A3 हुसैन, फैजल, काशिफ, आफरोज, मुबीन, यूनुस, पवन, हैदर, हक, साजिद, इद्रिस और इमरान का, जिसने इस पाशा जो हमारा विक्टिम है इस केस में उसको रोका और उसको स्टिक्स और हाथों से मार के उसका कंधा तोड़ दिया। इसमें मोटिव ये बताया जा रहा है कि जो हमारे ऑलरेडी मर्डर एक्यूज हैं इससे पहले वाले केस में, जो आपको शाली पंडा का केस में ब्रीफ किया है, असद, आशु और सुभानी, इसमें असद को ये डाउट था कि अशफाक जो है ये इंफॉर्मेशन उसके बारे में कोई पास करे, उसकी पुरानी कोई, उससे दिमागी रूप से उसने ये सोच रखा था कि मेरी इससे दुश्मनी है और ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन पास करता है, भाग रहा था। उस टाइम पे वो इस ये 5 शॉप के पास रुका और उसने नाइफ जो है अशफाक को दिखाए, तो अशफाक को ये लगा कि मुझे चाकू कैसे दिखा सकता है, ये कौन होता है, उसने अपने सारे जो साथी हैं A1 से लेके A13 तक उनको बुलाया और असद का भाई जो है मोहम्मद पाशा उसको खूब पीटा, उसका कंधा तोड़ दिया। तो इस सिलसिले में हमने जो एक्यूज हैं इसमें 13 में से 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनके नाम ऑलरेडी आपको बताए जा चुके हैं, और ये पूरा जो है इनको पकड़ने का काम, इन्वेस्टिगेशन का काम हैज बीन हेल्ड अंडर सुपरविजन ऑफ एडिशनल DCP साउथ जोन शेख जहांगीर, एडिशनल DCP टास्क फोर्स यागिरी स्वामी, ACP फलक नुमा, इंस्पेक्टर गोपी, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कालापत्थर शेख सलीम, SI कालापत्थर, ऑल द स्टाफ ऑफ कालापत्थर, दे हैव डन अ गुड जॉब। बट आने वाले समय में पुलिस के साथ साथ जो जनरल पब्लिक है उनसे भी दरख्वास्त है कि इस तरह के किसी भी क्राइम को प्रिवेंट करें, अपने बच्चों को ऐसे बाहर ना छोड़ें, उन्हें ड्रग्स के कंजम्पशन की आदत डालने से बचाएं, चाकू नाइफ वगैरह लेके, इनफैक्ट चाकू नाइफ उनके पास होना नहीं चाहिए, लेके बाहर घूमना तो दूर की बात है, और जितने भी शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट में जो खुले जा रहे हैं, जो बियॉन्ड परमिटेड आवर्स ऐसी गुस्ताखी कर रहे हैं, उन्हें ये लास्ट वार्निंग है कि वो ऐसा ना करें, अदरवाइज जो भी लीगली सख्त से सख्त एक्शन है उनके खिलाफ लिया जाए। हाँ, ये आपस में एक दूसरे को जानते हैं। आप देखिए पिछले 2-3 दिन में कितने FIRs हुए हैं। 10:30 क्लोजिंग आवर्स नहीं है, अब क्लोजिंग आवर्स देखिए, उसके बयान कोई भी ओपन होता है हमें लिस्ट अभी कनेक्शन कुछ तो अंडर अभी PTB है पेंडिंग ट्रायल उसके बाद ये ही 3 लोग जो पहले ऑफेंस में मर्डर किए वो जाके दूसरे को डराए और उसको डराए बोल के उसके साथी को उसने बुलाया और दूसरे को आग मारा, तो ये सब एक ही रात को हुआ है। ये दो इंसिडेंट हमारे जुरिस्डिक्शन में तो ये एक मर्डर हुआ, अब बाकी का तो आप उनसे जाके पूछिए। फलकनुमा में फलकनुमा का भी एक फैमिली इशू है, आप उसको पढ़िए, आपने अभी तक नहीं आया मर्डर मर्डर है, बट मर्डर के मोटिव के अकॉर्डिंग मर्डर की ग्रेविटी बढ़ जाती है, कि गैंग फाइटर टाइप का अफेयर का इशू है या कुछ है, तो उसने उस मोटिव से उसको मार दिया, पर ये इस तरह के क्राइम से गंभीरता बढ़ जाती है, क्योंकि सोसाइटी में इस तरीके का अगर प्रचलन हो रहा है कि लोग चाकू लेके घूम रहे हैं और एक दूसरे को मार दे रहे हैं, वो गलत है, और इसी के अगेंस्ट ये पूरी हमारी जो मुहिम है, शॉप एस्टेब्लिशमेंट
आप ही बताइए हमें जो भी इंफॉर्मेशन है इनके बारे में, डेफिनेटली वी विल टेक एक्शन ऑन दिस। आप लोगों को प्रोपगेट करने चाहिए ऑर्डर, तो हम आपको ऑर्डर्स की कॉपी देंगे और वो आप उनको कम्युनिकेट करेंगे। मैडम ऐसा कुछ नहीं मैडम।